हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा, इंजीनियर सड़क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूं। बेसिकली 10 डेज का जो हार्ड चैलेंज हमने आप लोगों को दिया था, उसका आज दूसरा दिन है, जिसमें आप लोगों को खूबसूरत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर में 40 क्वेश्चन आना है, राइट? और हम एक दिन में 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि यार 40 में आप लोगों की क्या स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है, क्या टाइम मैनेजमेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन को टेक इट सीरियस, और इंडिया का हर एक बच्चा जो बार्क जैसे एग्जामिनेशन को देने जा रहा है, इस सेशन को जरूर देख के जाइएगा। और फटाफट एक बार मुझे कमेंट में बता दो, ऑडियो और वीडियो आप सभी लोगों को आ रहा है, तो ये मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हाय वैभव, सचिन और मेरे प्यारे वॉरियर्स, जल्दी से आ जाओ, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों, है ना? और मुझे भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हाय इंडियन बेटा, बहुत अच्छा, शानदार। टू द पॉइंट बात करते हैं, सेशन की शुरुआत कर देते हैं, और मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली के शुभ अवसर पे मैकेनिकल के महापैक पे दोस्तों आपको 70% ऑफ चल रहा है, जाओ फटाफट यूज कर देना। बस ये कोड यूज कर देना ज्वाइन करते समय, Y201, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने क्या है, एक कंसंट्रेटेड लोड आप पी एक्ट एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल, डिस्टेंस एल बाई थ्री फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट, द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड विल बी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रकाश नामदेव बेटा, सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और कोशिश करो यार, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हर कोई जवाब दे। देखो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, लोड पी एक्ट कर रहा है, जो कि हमारा एल बाई थ्री डिस्टेंस पे, एल बाई थ्री डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड सपोर्ट से, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2L/3। आपको बताना है कि जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है उस पे हमारा बेंडिंग मोमेंट, और देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन जवाब देता है, सबसे पहले हमारा कौन जवाब देता है। देखो, सबसे पहले शुभम और वैभव ने जवाब दिया, गुड इवनिंग यार अमन, गुड इवनिंग यार अमन। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे सेशन में बने रहना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा यार। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर ए प्लस आर बी निकालना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्ट हमारा किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। फिर आर बी इंटू एल इजकल टू पी इंटू एल बाई थ्री हो जाएगा। आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, पी बाई थ्री हो जाएगी। तो आर ए हमारा कितना हो जाएगा, 2P/3 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है, अगर वो पॉइंट सी है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, आर ए की वैल्यू कितनी, 2P/3 इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, L/3। तो अगर मैं करता हूं तो 2P/9। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया यार, हर किसी ने जवाब दिया बहुत अच्छा, शानदार। और ये क्वेश्चंस प्रीमियम टाइप का क्वेश्चंस है, प्रीमियम जिसको बोलते हैं ना, मतलब इस क्वेश्चंस का कोई तोड़ नहीं है, हर कोई इसका जवाब दे यार, हर कोई इसका जवाब दे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि हर कोई इसका जवाब दे, बहुत ही शानदार है यार। और अच्छा लगा कि लास्ट क्वेश्चन में सब लोगों ने सही जवाब दिया था। हाँ चलो, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा, देखते हैं सबसे पहले रिस्पांस कौन करता है, सबसे पहले रिस्पांस कौन करता है बच्चे, प्लीज एवरीवन रिस्पांस, क्योंकि बार्क में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो फटाफट, गुड इवनिंग यार एलोन, गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग फटाफट रिस्पॉन्ड करो यार, कहीं कोई जाना मत, मैं आपको बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन अपने आप में चैलेंजिंग है, हर क्वेश्चन अपने आप में चैलेंजिंग है। देखो इसका हम कैसे करते हैं, ये देखो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लोड है, दूसरे साइड में हमारा क्या है जरा बताइएगा, बेंडिंग मोमेंट है, इधर आपको बीएमडी है। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो बीएमडी ए का 2 होगा, पक्का ए का 2 होगा, और इसका जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा 4 होगा, और सी का जो हमारा बेंडिंग मोमेंट 1 होगा, और डी का जो बेंडिंग मोमेंट होगा बच्चों, डी का जो बेंडिंग मोमेंट होगा 3 होगा। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सटीक रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आ गया। क्योंकि देखो क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट आता है। इसकी बीएमडी ऑलवेज ये बनेगी। पूछो कैसे? क्योंकि जहां पे हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट आएगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट की साइन चेंज होगी। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें साइन चेंज हो रही है? सिर्फ हमारा सेकेंड ऑप्शन में। और ये आपका पॉइंट लोड है, इसका तो बीएमडी हमारा यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। अब क्योंकि ये यूडीएल लोड है आपको इस तरह का बन जाएगा यार सिमेट्रिक, और ये यूबीएल लोड है तो आपकी बीएमडी हमारा ये बन जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। अच्छा आप लोगों को टाइमर भी दे देता हूँ बेटा। क्या दे देता हूँ? टाइमर भी। चलो फटाफट जवाब देना बेटा। कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट डील्स विथ, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ हीट इन टू वर्क। मेरे को लग रहा है ये आसान क्वेश्चन है यार, ये वाला क्वेश्चन आसान है। क्विक सब लोग इसका रिस्पॉन्स करना यार, ट्राई करो यार प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइस, बहुत फास्ट, लिटिल फास्ट, बहुत सटीक जवाब यार, क्या बात है भाई। देखो ऑब्वियस बात है यार, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ हीट होगा, हीट इनटू द वर्क, क्योंकि हीट को वर्क में 100% कन्वर्जन कर पाना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, ये आपको भी पता, ये हमारा इम्पॉसिबल है। और इफिशियंसी हमारी क्या होती है बेटा? डब्ल्यू बाई क्यू वन, और इससे हमारी इफिशियंसी 100% आएगी, और 100% इफिशियंसी PMM2 की होती है, और PMM2 हमारा इम्पॉसिबल, PMM2 हमारा इम्पॉसिबल है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ए रिवर्सिबल पावर साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ 800 केल्विन एंड 300 केल्विन, इट टेक्स 400 किलो जूल हीट, देन अनअवेलेबल वर्क शुड बी, अनअवेलेबल वर्क कितना होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आप लोगों में से देखना चाहता हूं कि सबसे पहले, हाय दिलीप बेटा जल्दी से आप लोग आ जाओ यार, आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर कोई जवाब देगा इसका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इफिशियंसी क्या हो जाएगा बेटा? 1/T2/T1। हम ऐसा करते हैं ना, W इंटू Q1, हम ऐसा करते हैं पहले हम मैक्सिमम वर्क निकाल देते हैं, Q1 1 - T2/T1। यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा? Q1 कितना हो जाएगा? Q1 कितना है? 400। फट से पुट करो और आप लोग जवाब दो यार। 1 - 300, 300 / 800 कितना हो जाएगा यार? 400 × 500/800, ये 250 आ जाएगा। 250 हमारा आ जाएगा अवेलेबल वर्क, 250 हमारा आ जाएगा अवेलेबल वर्क, 250 हमारा आएगा अवेलेबल। लेकिन इसने पूछा है अनअवेलेबल वर्क, ही इज आस्किंग अबाउट अनअवेलेबल वर्क के बारे में पूछ रहा है, कितना वर्क हम बना नहीं सकते। सोचो यार, सोचो, मजा आ गया यार। आपका ए आंसर गलत है, आपका ए आंसर गलत है। अब आप बोलोगे सर ये हमारा गलत कैसे हो गया, ये तो मेरे साथ एग्जामिनर ने चीटिंग कर दिया, ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गया। इसने पूछा अनअवेलेबल, तो भाई अनअवेलेबल वर्क क्या होता है? Q1 - अवेलेबल। यहां पे आपको 150, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट द रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेंट यूज एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट वर्किंग फ्रॉम द सोलर कलेक्टर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाट, वाटर और हमारा जो आपको बताना है, यहां पे वाटर और किसका मिक्सचर होता है? फटाफट जवाब दो, जल्दी से जवाब देना, ट्राई करो यार हर कोई, इसका 30 सेकेंड में जवाब देना। 30 सेकेंड आप लोगों को यहाँ पे 30 सेकेंड टाइम दिया गया है, और यहाँ पे बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का, SO2 का, LiBr का, R12 का। आसान क्वेश्चन है यार, आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो देखो अमोनिया H2O में, अमोनिया एक्ट एज ए रेफ्रिजरेंट होता है, ये एक्ट एज ए एब्जॉर्बेंट होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं LiBr+, अगर हमारा H2O है, इसमें एक्ट एज ए रेफ्रिजरेंट ये काम करता है, और ये हमारा एक्ट एज ए एब्जॉर्बर काम करता है। दोनों ही हमारा, एक चीज याद रखना, दोनों ही हमारा बेसिकली वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के पार्ट है, दोनों ही हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के पार्ट है।
ये चीज आप अपने दिमाग पर रखना, ठीक है? मजा आ रहा है आप लोगों को, अच्छे क्वेश्चंस करने की मिल रहा है। एक बार मुझे बता दो यार, एक बार बता दो, आपको जबरदस्त क्वेश्चंस करने को मिल रहा है ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज गिवन बाई, आप लोगों को बताना है फटाफट, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज गिवन बाई, क्विक। और मुझे लग रहा है कि हर एक मैकेनिकल वॉरियर्स इस क्वेश्चन का जवाब देगा। तो जे एग्जाम, दिलीप, जयंत, अलोन एंड शुभम एंड मेरे प्यारे अमन भाई, दिलीप भाई, और जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो यार, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पे के भाई रोसीपी, हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा जो होता है के भाई रोसीपी, ये क्या बात है भाई, सटीक जवाब आप लोगों ने दिया, 100% एब्सोल्यूट भी योर आंसर इज राइट। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये के बाई म्यू सीपी है, जबकि के बाई रो सीपी होता है। तो ये क्या होता है, हीट कंडक्टेड, हीट कंडक्टेड बाई हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब, यही इन्हीं दोनों के रेशियो को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोशिश करना यार ये वाला कोशिश करने का, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ एल है, करेंगे पॉइंट रूट एट द सेंटर, डिफ्लेक्शन, मतलब आसान क्वेश्चन है यार, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, तो मुझे लगा यहां भी रिपीट कर जाएगा आपका, और सब लोग जवाब दे देंगे, खुश हो जाएंगे सारे लोग। फिर भी ये बार्क में आने के चांसेस हैं, बार्क में आने के चांसेस हैं, बी मतलब बार्क में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, तो मुझे लग रहा है कि यहां पे बी हो जाएगा। देखो देखो, एक से ज्यादा रखना, अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, पॉइंट लोड आएगा, कैसा लोड आएगा, पॉइंट लोड, तो यहाँ पे डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 हो जाएगा, याद रखना। और अगर मैं बात करूं, यही यूडीएल लोड आ जाता है, इस पे कौन सा लोड आ जाता है, यूडीएल। तो बस करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पे 5 W L के पावर 4 बाई 384 ही आ जाता है यूडीएल के लिए। और यही अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में बेटा यूबीएल लोड आता है, तो ये तीनों केस करके जाना, मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों केस आपका करके जाना, डब्ल्यू एल स्क्वायर, मतलब यूबीएल का तो मुश्किल है, लेकिन इन दोनों का करके जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ट्राई करो यार, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड में क्या है भाई, मतलब मैं आपको बताऊं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चैलेंज है आप लोगों को, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, आप सबको ओपन चैलेंज है। एक मेटलिक ब्लॉक है थ्रोन इनटू द डीप लेक, डीप लेक होगा, एज इट सिंक डीपर इनटू द वाटर, द पॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन का जवाब देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है। और यार मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके सभी लोग सेशंस को शेयर करो यार, है ना? तो यहाँ पे देखो ए बी सी सारे जवाब आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ए गलत है, बी भी गलत है, मतलब सी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप बोलोगे क्यों होगा, आप बोलोगे सर क्यों होगा, दीदी तुम ना सही जवाब दिया करो यार। देखो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो, अगर आपका सिंक है, ये एक आपका मैट्रिक ब्लॉक, चाहे जितना डीप करोगे ना, चाहे जितना डीप करोगे ना बच्चों, चाहे जितना डीप करोगे, हमारा बॉयंसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड होता है, और ये हमारा फ्लूड इंटू वी एफ डी इंटू जी। आप मुझे बताओ इस केस में चाहे जितना दबाओगे, वी की वैल्यू तो हर केस में वी एफ डी के बराबर हो गया ना, तो जब ये बराबर है, ये नहीं चेंज हो रहा है, तो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, बॉयंसी फोर्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यार एक बात बताओ, कहाँ हो यार सब लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो चैलेंज कौन स्वीकार करता है, ये देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का चैलेंज आप लोगों में से कौन स्वीकार करता है, क्वेश्चन नंबर 8 का चैलेंज कौन स्वीकार करता है। हालांकि एक बात याद रखना, कभी भी अगर यहाँ पे बॉडी की डेंसिटी
फ्लूड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन हमारा फ्लोट करेगा। अगर दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाएगा जस्ट यहाँ पे आपका सिंक कर जाएगा। अगर दोनों में बॉडी की डेंसिटी फ्लूड की डेंसिटी से कम हो जाएगा ये आपका ऑब्जेक्ट बॉटम में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। बॉटम में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन द बॉयलर इज ड्यू टू, जो बॉयलर में हमारी मेजर एनर्जी की लॉस होती है वो किसके वजह से होती है? तो अनबर्न कार्बन आपका ये कोई नहीं होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो पूरा जब बॉयलर में हीट बनता है उसका, अगर मैं आपको बोलूं लॉस जो होता है वो हमारा हार्ट फ्लू गैसेस के थ्रू 18 से लेके 22% तक, हार्ट फ्लू गैसेस के थ्रू 18 से लेके 22%, 71 से लेके 80% हम हीट पानी को गर्म कर देते हैं, हीट पानी को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लॉसेस 15 से लेके 5% होता है, ब्लो डाउन में 1 से 3% होता है। अगर टोटल एनर्जी हमारा 100% इन करती है तो ये हमारी बॉयलर में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपसे मैं पूछना चाहूं बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, हालांकि बहुत कॉमन है, बॉयलर में जो आपका हाईएस्ट हीट ट्रांसफर किस फिनोमेना के थ्रू होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन या रेडिएशन? आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या, कमेंट में बता सकते हो क्या? बार्क जैसा इतना बड़ा एग्जाम है यार। नेक्स्ट, द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड टू जॉइन द एंड ऑफ टू पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज नोन एज, फटाफट बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा प्लीज। हाँ, सबसे ज्यादा लॉस होता है। नेक्स्ट, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, कोलिजन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। दो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की पाइप है, दोनों को ज्वाइंट करना है रेडिएशन के थ्रू। हाईएस्ट जो हीट का ट्रांसफर होता है बेटा रेडिएशन के थ्रू, बॉयलर में सबसे हाईएस्ट हीट का ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू। ये आपके पेपर का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना, मैं आपको बता रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो यहां पे देखना चाहता हूं और आप लोग कहोगे तो हेल्पिंग डायग्राम बना दो। देखो ये बट वेल्डिंग आपका ये है, तो फटाफट आप लोग जवाब दो यार, मैं यही गुजारिश करूंगा फटाफट जवाब दो यार, इसका जवाब देना। तो आप लोग यहां पे जवाब दे तो बहुत अच्छा लगेगा। बट वेल्डिंग इज द राइट आंसर बेटा, बट वेल्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे ये इस तरीके से, ये तो बट वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, देखो ये आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग है तो आप लोग ऐसे ही, ये हमारी बट वेल्डिंग है ये देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 0.4 न्यूटन पर मीटर, इट्स बेंडिंग मोमेंट विल बी व्हाट? अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना यार, इस तरह की न्यूमेरिकल्स भी आपको पेपर में करना है। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करना यार, आप अपने पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करना। चलो फटाफट सबसे पहले देखते हूँ, यहाँ पे दिलीप ने जवाब दिया, प्रेंजित ने भी जवाब दिया, जयंत ने जवाब दिया, प्रकाश ने जवाब दिया, अच्छा एक बात दिव्यांक ने जवाब दिया। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन का चैलेंज कौन स्वीकार करता है, 10वें नंबर के क्वेश्चन का चैलेंज कौन स्वीकार करता है? क्विक, देखो यार अगर हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा बेंडिंग मोमेंट की, बात करोगे आप बेंडिंग मोमेंट तो यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, क्या है? हाँ, तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 0.4, और एल कितना है 1 मीटर। अब ये हमारा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4/8 इंटू 1/10, तो 1/2 इंटू 1/10, 0.5/10 जो 0.05, 0.05 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बार मुझे कमेंट करके बता दो बेटा, आप लोग कमेंट करके बता देना बस। देखो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ आप लोग बताना, जैसे ये हमारा इसका हमारा शियर फोर्स होगा एम बाई एल, यहाँ पे हमारा एम बाई टू, इसमें हमारा शियर फोर्स पी, इसमें बेंडिंग मोमेंट पी इंटू एल, इसमें हमारा शियर फोर्स डब्ल्यू इंटू एल, यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ये इस तरह का, और इसमें हमारा पी बाई टू, इसमें हमारा पी एल बाई, इसमें हमारा डब्ल्यू एल बाई टू, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू, और यहाँ पे हमारा जीरो।
और ये हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, और ये हमारा डब्ल्यू एल बाई थ्री, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई सिक्स, एक बार देख लेना इंटरचेंज करके। और यहाँ पे हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई नाइन रूट थ्री, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू एल बाई रूट थ्री पे, एक बार देख लेना यहाँ यहाँ पे इंटरचेंज हो सकता है। तो ये वाला आपको याद है ना, फटाफट मुझे कमेंट पे बता दो बस, ये सारी वैल्यू याद है तो एक बार मुझे कमेंट में बताओ, सो दैट कि आपका क्विक रिविजन हो जाए बस। एक्स क्वेश्चन, आइडलर पुली का काम क्या है आप लोग बता सकते हैं क्विक? आइडलर पुली का काम क्या है आप मतलब बताएंगे? आइडलर पुली का काम, हाँ मुझे पता है यार ये सब याद हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, आइडलर पुली का काम क्या है क्विक? व्हाट इज द आइडलर पुली का वर्क? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर कोई इसका जवाब देगा, हर कोई इसका जवाब देगा। हाँ, अप्लाइंग द टेंशन, जैसे कि आपका आइडलर पुली है, अब इसमें टेंशन अप्लाई करना है तो हम आइडलर पुली यूज करेंगे, टेंशन अप्लाई करना है तो हम आइडलर पुली यूज करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से बीच में आपको ये पुली जो दिख रहा होगा आइडलर पुली है ना, यहाँ पे ये देखिएगा आइडलर पुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग इज यूज फॉर हैवी लोड? आपको बताना है बेटा कौन सी बियरिंग हैवी लोड के लिए यूज की जाएगी क्विक। हैवी लोड के लिए कौन सी बियरिंग? बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, ऑटो अलाइनमेंट बियरिंग या एक्सल बियरिंग? बहुत ज्यादा हैवी लोड आ रहा है तो हम कौन सी बियरिंग को यूज करेंगे? तो बेटा ऐसे में हम रोलर बियरिंग यूज करते हैं। रोलर बियरिंग में क्या होगा कि रेडियल लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी होती है यार। बॉल बियरिंग में हमारा देखो एक्सियल और रेडियल दोनों होता है, लेकिन ये हमारा हैवी लोड बियरिंग कैपेसिटी रोलर रखता है। ये देखो, अच्छा ये वाले ग्राफ का आप मुझे मतलब पता है, ये सारा हाई स्पीड पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड पे, हाईएस्ट जो हमारा स्पीड पे फ्रिक्शन जो ऑब्जर्व किया जाता है बेटा वो बॉल बियरिंग में, फिर उसके बाद रोलर बियरिंग में, फिर उसके बाद जनरल बियरिंग में। लेकिन अगर हमारी स्पीड कम है तो सबसे कम जो होता है बॉल बियरिंग में, फिर उसके बाद रोलर बियरिंग में, फिर उसके बाद जनरल बियरिंग का। लो स्पीड पे हाईएस्ट फ्रिक्शन हमारा जनरल बियरिंग में होता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपको सीक्वेंस याद है, एक बार मुझे बता दो, आपसे अगर पूछा जाए लो स्पीड पे हाईएस्ट फ्रिक्शन किस में मिलेगा, हाईएस्ट फ्रिक्शन किस में मिलेगा? जनरल बियरिंग में। हाईएस्ट स्पीड पे सबसे ज्यादा स्पीड ज्यादा है तो आपका फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा बच्चों? आपको मैं बता दूं बॉल बियरिंग में होगा। ये आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है, एक बार मुझे कमेंट में बता दो। ये वाला अगर क्लियर है तो मुझे जरूर बताना यार आप प्लीज। चलो बहुत अच्छा यार, पूरी जान लगा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 का चैलेंज है बेटा, ये आपको बताना है, आपको बताना है बेटा ये क्या है। इन द थ्रेड असेंबली इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड मीट एट, थ्रेड असेंबली में हमारा इंटरनल, ये हमारा नट है, ये हमारा नट है और ये स्क्रू है, तो आपका ये मीट कहाँ करता है बच्चों? पूरी कोशिश यही करता हूँ यार कि आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दूँ। तो यहाँ पे देखो पिच पॉइंट पे, कहाँ पे? पिच पॉइंट पे, याद रखना कौन से पॉइंट पे? पिच पॉइंट पे। इंटरनल और एक्सटर्नल असेंबली मीट करते हैं पिच पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू इंटरफेरेंस फॉर द 14 डिग्री फुल डेप्थ, 14 डिग्री फुल डेप्थ के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना होगा बेटा? मात्र आपको कसम बता रहा हूं 10 दिन का चैलेंज है, 10 दिन अगर आपने साथ दिया ना, आपके बार्क का एक दिन में एक मॉक डिस्कस कर रहे हैं 40 क्वेश्चन का, और लास्ट में आप लोग मैच कराना 40 में 40 का टारगेट है यार हमारा। तो यार यहाँ पे देखो 3200 का है, देखो मैं आपको रटवा देता हूँ बेटा सारे के भी याद कर रहा। देखो 14 डिग्री फुल डेप के लिए 32 होता है, 14.5 कंपोजिट के लिए 12 होता है, 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए 18 होता है, 20 डिग्री स्टब के लिए, 20 डिग्री स्टब के लिए हमारा 14 होता है। तो ये नंबर ऑफ टीथ डिफरेंट प्रेशर एंगल के लिए एक बार याद होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ पिनियन में याद रखने का बेटा ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, एक बार देख लेना। तो ये एंगल्स याद होगा मुझे लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी विल बी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये वाला, देखते हैं सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करता है ये वाला। फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेचुरल, मतलब न्यूट्रल, नेगेटिव या कॉन्स्टेंट? फिर आप बोलोगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है,
ये बता दो, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं यहां इसीलिए आया हूं, इसीलिए आया हूं। तो यहां पे देखो मैं आपको बताता हूं, वैभव ने बताया पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। देखो दोनों ही ऑप्शंस है बच्चों, आप जो 10 दिनों का चैलेंज है मात्र 10 दिनों का। देखो पहले समझो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा यहां पे क्या होता है, मैं आपको द रिएक्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैव हायर एनर्जी देन द प्रोडक्ट ऑफ इंथैल्पी चेंज इन। तो यहां पे देखो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो यहां पे नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो नेगेटिव बनेगा। बाकी जब हमारा यहां पे क्या होता है एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है। ही इज आस्किंग अबाउट एक्सोथर्मिक, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। एक्सोथर्मिक में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी फाइनल इंथैल्पी मतलब ये है H1, H2, सॉरी H2, और ये हमारा H1 है। H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू कम होगी H1 से, ऑब्वियस बात है H2 माइनस H1 हमारा क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे हमारा H2 हमारा ग्रेटर देन H1 होगा तो डेल्टा H शुड बी यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन था आपका है ना। चलो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, तो जेट इंजन का हमारा कंप्रेसर किस तरह का होता है, जेट इंजन का जो हमारा कंप्रेसर है वो किस तरह का होगा, फटाफट बताइएगा। जेट इंजन का हमारा कंप्रेसर किस तरह का होता है बेटा, एक्सियल फ्लो, रोटेटरी फ्लो, रेडियल फ्लो या सेंट्रीफ्यूगल टाइप। और मुझे भरोसा है कि आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे यार, आई नो मेरे वॉरियर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हमारा बेसिकली ब्रेटन साइकिल है, ये हमारा आपका ब्रेटन साइकिल है बच्चे, ये हमारा आपका ब्रेटन साइकिल, ये आपका ब्रेटन साइकिल याद रखिएगा, कौन सा साइकिल है ब्रेटन साइकिल, तो याद रखिएगा ब्रेटन साइकिल है। तो यहाँ पे एक्सियल फ्लो टाइप का होगा, एक्सियल फ्लो टाइप का लेकिन रोटेटरी, कैसा जरा बताइएगा रोटेटरी टाइप का। इसमें हमारा सबसे पहले देखिए एक से दो हमारा कंप्रेस किया जाता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेसर, दो से तीन हमारा देखो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट की सप्लाई की जाती है, तीन से चार हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया जाता है जिसमें एंट्रोपी हमारी कॉन्स्टेंट होती है, चार से वन जो हमारा होता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन। ये साइकिल हमारी ब्रेटन साइकिल की होती है और इसमें हम जूल साइकिल भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब देखते हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करता है क्विक, और मुझे भरोसा है कि हर एक मैकेनिकल वॉरियर्स इसका जवाब देंगे। चलो चैलेंज है 18 नंबर का चैलेंज कौन स्वीकार करता है भाई, 18 नंबर का चैलेंज कौन स्वीकार करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट इज कूलिंग कैरीड आउट इन द फर्नेस व्हेन इट इज हीटेड, आसान है लेकिन यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बार्क जैसे एग्जाम तो बहुत फेवरेट है यार, बार्क का फेवरेट क्वेश्चन हो गया, मैं आपको बता रहा हूं इसको आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में मान लेना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो मतलब मेरे को तो पता है यार, कुछ भी हो जाए, दिव्यांग ने ए बोला, जयंत ने बी बोला, वैभव ने सी बोला, सारे ही आंसर दे दोगे यार। क्वेंचिंग में तो भाई कूलिंग मीडियम वाटर होता है, क्वेंचिंग में तो कूलिंग मीडियम वाटर होता है, हार्डनिंग तो एक अलग प्रोसेस है बेटा, हार्डनिंग तो समथिंग सरफेस हार्डनिंग है, तो दो ही ऑप्शन होता है नॉर्मलाइजिंग एंड एनलिंग। तो देखो दो चीजें होती है बेटा यहाँ पे, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दो चीजें दिखाई, देखो एक हमारा नॉर्मलाइजिंग होता है, एक हमारा क्या होता है कूलिंग होता है। तो एनलिंग में हमारा कूलिंग जो होती है वो फर्नेस में होती है, याद रखना किसमें होती है फर्नेस में होती है। इसमें हमारा कूलिंग किस में होती है एयर में होती है। बाकी अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली हायर यील्ड पॉइंट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इंपैक्ट स्ट्रेंथ, इससे हमारा ये सारी चीजें हायर होता है, इसमें थोड़ा सा इसमें कम होता है, बाकी रिलेटिव हार्डर मटेरियल देन द एनर्जिंग मटेरियल, रिलेटिव हमारा लोअर हार्डर मटेरियल देन द नॉर्मलाइजिंग मटेरियल। ये हमने बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में दे रखा है, आप लोग एक बार मुझे कमेंट में बता दो ये सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, कमेंट में जरूर बता देना बच्चे प्लीज। अगले क्वेश्चंस का चैलेंज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड कोटिंग। गाइस आप लोग जवाब देना यार प्लीज, रूटाइल, बेसिक, मार्टिनसाइड, एसिडिक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार। इज नॉट ए टाइप ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड कोटिंग, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार, और मुझे लगता है कि आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे इसका, प्लीज रिस्पॉन्ड करना यार, है ना, सब लोग रिस्पॉन्ड करना यार। जहां पे मुझे लगेगा कि आप लोगों को मुझे जवाब देना चाहिए तो मैं आप लोगों को
जवाब प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा यार। तो गाइस अगला क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करना यार। हाँ यार मुझे भी लग रहा है कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिडिक इज द राइट आंसर। इसमें क्या सोचना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये तो हो गया यार है ना। नेक्स्ट इज अ वर्च्यू बाई विच मोल्डिंग सैंड परमिट एस्केप अ गैस फॉर्म ड्यूरिंग द कास्टिंग इज नोन एज। फटाफट बहुत ही आसान, स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है यार, एक बार बताना यार आप लोग, स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना यार, मैं आप लोगों से ये पूछूंगा जरूर। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार मुझे बता दो यार, है ना। सो दैट तो यार देखो इसमें तो हमारा प्रॉपर्टी जो होता है परमेबिलिटी होता है, क्या होता है परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे किसी कास्टिंग में बनने वाले गैसेस को मोल्डिंग कैविटी से बाहर निकालता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये ए बैलून शेप गैस कैविटी कास्ट बाय रिलीजिंग द मोल्ड गैस ड्यूरिंग द पोरिंग देन दिस वन इज कॉल्ड एज पिनहोल सैंड भास मिश्रण या सैंड व्यू। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा कर रहा है। नहीं यार ऐसा तो नहीं है, फिर भी आप लोग जवाब दो, स्क्रीन थोड़ा सा राइट करिएगा। ओके चलो कर दिया बच्चे, कर दिया, फटाफट आप लोग जवाब देना बेटा। तो देखो ये आपको यहां पे दिख रहा है बेटा, यहां पे 3D पिक्चर में आप ये देख रहे हो, इस तरह का डिफेक्ट आपको दिखेगा, इस तरह का डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना है इसको क्या बोलेंगे, पिन होल्स बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, सैंड ब्लो बोलेंगे, सैंड वास बोलेंगे। और मैंने आप लोगों के लिए इंडिकेटेड हेल्पिंग डायग्राम भी बना दिया है, पीडीएफ भी मिलेगा बेटा, पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। देखो क्वेश्चन है बैलून शेप, याद रखना बैलून शेप कैविटी, तो इसका आंसर होगा सैंड ब्लो। क्या सैंड ब्लो, इसका राइट आंसर हमारा सैंड ब्लो होगा बेटा, ये आपका सैंड ब्लो है। कौन सा सैंड ब्लो है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, कौन सा सैंड ब्लो, दिस वन इज द कॉल्ड सैंड ब्लो, सैंड ब्लो या ब्लो होल्स बोलते हैं इसको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने गलत क्यों किया यार, मैं आप सब लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आपको मैं इंडिकेटेड हेल्पिंग डायग्राम भी बना रहा हूं 3D में यार, 3D में, और फिर भी आप गलत कर रहे हो यार, 3D में गलत कर रहे हो कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट द प्रोसेस वेयर द कार्बन फ्रॉम द आउटसाइड इज इंट्रोड्यूस इन द सर्फेस ऑफ स्टील बाई कीपिंग द चारकोल एट द हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो आप लोग अच्छा प्रीवियस लेक्चर में जो मुझे एक बात का अच्छा लगा, जब प्रीवियस लेक्चर में ले रहा था बेटा, तो अड्डा 2100 मेरे यूट्यूब चैनल पे बेटा, मैं एक बात बहुत खुशी हुआ कि इंजीनियर्स अड्डा पे आप लोगों को, इंजीनियर्स अड्डा पे आप सब लोगों के लिए बेटा, इंजीनियर्स अड्डा पे आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया बेटा। और लास्ट लेक्चर जब हमारा हुआ, और मैं आपको बताऊँ कि लाइव में बेटे आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, और मेरे कहने पे आप लोगों ने बहुत तगड़ा रिस्पॉन्ड भी दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होता है कि जब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सारे बच्चे हमारे। दिवाली तो आ ही गई है भाई, अरे भैया रुक जाओ, ये तो इतने सारे लोगों ने कमेंट किया। देखो वैभव ने, यूट्यूब बोरिंग, ये अमित ने जवाब दिया, जे एग्जाम ने जवाब दिया, शुभम ने जवाब दिया, ये सारे बच्चों ने जवाब दिया मिलकर के, ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे आप लोग भी रिस्पॉन्ड किया करो यार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यार, तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्विक। अच्छा ये वाला क्वेश्चंस में आप लोगों ने क्यों गलत किया यार, क्यों, मैं चाहता हूं कल से सारे लोग जवाब दें, ये वाला क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों ने गलत क्यों किया यार। तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे राइट आंसर अगर आप बात करोगे बेटा सी, राइट आंसर हमारा सी। देखो केस हार्डनिंग में क्या होता है, केस हार्डनिंग में क्या होता है बेटा, हम सरफेस को सिर्फ हार्ड करते हैं, सरफेस को क्या करते हैं हार्ड करते हैं, और अंदर हम थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, क्या करते हैं सॉफ्ट, ऐसी चीजों को हम केस हार्डनिंग, क्या बोलते हैं बेटा केस हार्डनिंग, जिसमें मुझे शुभम ने, नीतीश ने, प्रकाश ने और जयंत ने, सब लोगों ने मिलकर बहुत सही जवाब दिया था, मजा आ गया भाई। अगला क्वेश्चन बेटा ये, तो ये वाला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन तो उड़ा दो यार, 24 नंबर का क्वेश्चन तो हर कोई उड़ाएगा,
24 नंबर का क्वेश्चन तो हर कोई उड़ाएगा। 10 दिनों का चैलेंज है मात्र बेटा, ये हमारा 10 डेज का चैलेंज है बार्क का। फिर आपका सजेक्शन, हर दिन 40 क्वेश्चन, हर दिन 40 क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 1 TR का डेफिनेशन क्या होता है, 1 TR का डेफिनेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड को 0 डिग्री सेंट के आइस में, किसमें, आइस में 24 आवर्स में कन्वर्ट करने, जितनी भी हमारा अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसको 1 TR। और 1 TR की वैल्यू जो होती है 211 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो वाट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, तो प्रोवाइड ए क्लियरेंस बिटवीन द ट्रेलिंग एज ऑफ द टूल एंड न्यूली जनरेटेड वर्क सरफेस शुड बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा ये 10 दिन अगर कोई कंटिन्यू हो जाएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ बार्क का जो 10 मॉडल पेपर है ना, आपके सिलेक्शन का पेपर, हर एक क्वेश्चन आप पेपर में देखोगे शानदार आ रहा है। अच्छा, तो एंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड रिलीफ एंगल, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फिर भी आप लोग जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और देखते हैं यहाँ पे, देखो कौन कौन, नीतीश, प्रजेत बेटा। अच्छा आप लोग बताओ बार्क का एग्जाम आपको किस डेट पे पड़ा है, आप मुझे बता सकते हो बच्चों, बार्क का एग्जाम आपका किस डेट पे पड़ा है। बार्क का एग्जाम आपको किस डेट पे पड़ा है बेटा, बार्क का एग्जाम आपका किस डेट पे पड़ा है। नीतीश ए बोल रहे हैं, आप बी बोल रहे हैं, सारे लोग बी बोल रहे हैं। देखो आपको टूल ज्योमेट्री पता है कि नहीं बताओ, मुझे टूल ज्योमेट्री पता है कि नहीं बताओ, पहले मुझे को ये बताओ टूल ज्योमेट्री पता है कि नहीं आप। चूंकि बार्क में मैं जहां तक देख रहा हूं, बार्क में आपको एक क्वेश्चन यहां से है, पहले मेरे को ये कमेंट करो 20 को है ना, बहुत अच्छा यार, गुड यार, 20 को है। तो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं, 20 तक मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा यार। तो अगर आपको पता है तो फिर इसकी क्वेश्चंस का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। देखो इसमें आपको ध्यान देना, आपको मैं कल इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो वर्टिकल का रैक फेस के साथ एंगल रैक एंगल होता है। अब ये जो कटिंग है ये वाला है, मशीन्ड सरफेस है, और हमारा फ्लैंक के बीच में एंगल है वो रिलीफ या क्लियरेंस एंगल होता है, और ये हमारा बेसिकली लिप एंगल होता है, और ये एंगल हमारा सीयर एंगल होता है। ये तो बहुत आसान है, जो टूल ज्योमेट्री में एंगल होते हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लेना, वो एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कल, आप लोग परेशान मत हो। फिर आप इसका आंसर आप लोग बी सही दे रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोसेस ऑफ क्रॉस सेक्शन अ बार इज इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इट्स लेंथ। बहुत ही आसान है यार, आप लोग राइट आंसर क्या दोगे इसका। हाँ आप लोगों का आंसर बी सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज यार रिस्पॉन्ड क्विकली, और गाइज आप लोग यहाँ पे जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से। अपसेटिंग होगा, क्या होगा, अपसेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल प्लेन इज ट्रू। प्रिंसिपल प्लेन के रिगार्डिंग आपका कौन सा ट्रू है, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ प्रिंसिपल प्लेन के रिगार्डिंग हमारा कौन सा ट्रू है। नो सीयर स्ट्रेस प्रेजेंट, 27 नंबर का चैलेंज तो। अच्छा सीयर स्ट्रेस तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये भी याद रखना नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। नेक्स्ट, पैन ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल प्रोड्यूस ए रेफ्रिजरेंट। वेपर कंप्रेशन साइकिल का कौन सी ऐसी चीज हो जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कंडेंसर, कंप्रेसर, थ्रोटलिंग वाल्व, इवेपोरेटर। हाईएस्ट इसमें सबसे महंगा जो होता है बेटा कास्ट, सबसे ज्यादा कास्ट इसका। कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होता है बेटा, कंप्रेसर में हमारा वर्क इनपुट दिया जाता है बेटा, थ्रोटल वाल्व में हमारी एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इवेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और यही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल यार गुड यार, बहुत अच्छा अटेम्प्ट। नेक्स्ट, इन स्टीम नोजल हीट सप्लाई टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस कितना हो। स्टीम नोजल में अगर हम हीट सप्लाई एक्सपेंशन प्रोसेस के दिन हम क्या करेंगे, जीरो वर्क डन
आप लोग फटाफट जवाब दो यार, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्ड करोगे यार, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड करोगे। तो यहाँ पे हीट हमारा, हीट सप्लाई हमारा जीरो होगा बेटा, क्योंकि नोजल में हमारा, देखो नोजल में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, हीट ट्रांसफर भी जीरो, वर्क ट्रांसफर भी जीरो होता है ना। चलो गुड, नेक्स्ट। ये हमारा नोजल है, नोजल का काम है हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगला क्वेश्चन, हीट रिजेक्शन इन द वेपर कंप्रेशन साइकिल टेक प्लेस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 30 नंबर का चैलेंज कौन स्वीकार करता है? 30 नंबर का चैलेंज, 30 नंबर का चैलेंज आप लोगों में से देखते हैं सबसे पहले कौन स्वीकार करता है। नीतीश प्लीज यार। हाँ, वर्क भी जीरो होगा, ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना। रेनू साहू, हम हर एक मैकेनिकल वॉरियर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यार शाम को 7 बजे का जो 10 दिन का हार्ड चैलेंज है ना, आप अपने करियर को सेट करने के लिए बस 10 दिन तक बन जाओ। 40 में से 40 स्कोर कराने की गारंटी देते हैं। बार्क में एक को एक क्वेश्चंस को मैं बहुत क्लोजली बार्क के प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए बना रहा हूं। तो बेटा यहाँ पे कंडेंसर और एब्जॉर्बर दोनों, क्योंकि यहाँ पे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अगला क्वेश्चन, ये देखो आपको मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन दे रखा हूँ। नेक्स्ट, अपवर्ड फोर्स, आसान क्वेश्चन यार, अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्स इन द वाटर बिकॉज ऑफ फ्लूइड सराउंडिंग टू इट इज नोन एज। प्लीज गाइस, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, आप लोग जवाब दीजिए बेटा। तो आर्किमिडीज फोर्स जिंदगी में मैंने नहीं सुना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो नहीं सकता, विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी फोर्स, बॉयंसी फोर्स, इसमें क्या ही सोचना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक एनर्जी एट द क्रिटिकल डेप्थ फॉर गिवन डिस्चार्ज इन द चैनल इज व्हाट। 32 नंबर का चैलेंज, 32 नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है नीतीश। हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यार जयंत ने, रेनू ने, बहुत अच्छा यार नीतीश, अपूर्वा एंड शिवम और प्रथमेश, बाकी लोग भी जवाब दो यार, यहाँ पे क्या होगा, बाकी लोग भी जवाब दो इस क्वेश्चन का। यार देखो, नहीं अगर मैं बात करूँ बेटा, ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, देखो अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे हमारा मिनिमम होता है, एनर्जी की बात किया बेटा, यहाँ पे एनर्जी की बात किया है, तो एनर्जी हमारी यहाँ पे सबसे कम होती है, और ये वायु होती है, और यहाँ पे हमारी सबसे कम होती है, क्रिटिकल डेप्थ पे हमारी एनर्जी सबसे कम होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सोल्डरिंग फ्लक्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। सोल्डरिंग की जो फ्लक्स होती है वो कौन सी परफॉर्मेंस को देती है? प्रमोटिंग द वेटिंग ऑफ द फेइंग सरफेस, ओके, डिक्रीज द सोल्डरिंग टाइम, ओके, प्रमोट द ऑक्सीडेशन ऑफ सरफेस, प्रमोट द टार्निशिंग ऑफ द सरफेस। फटाफट यार बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 33 नंबर का चैलेंज है, 33 नंबर का चैलेंज। देखो, प्रमोटिंग द वेटिंग ऑफ द, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और यहाँ पे दिव्यांक ने बहुत सटीक जवाब दिया, सोल्डरिंग टाइम का कोई मतलब नहीं, प्रोमोटिंग द ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो हम उसको यूज क्यों करेंगे, प्रोमोटिंग द टार्निशिंग ऑफ द सर्फेस, नहीं बेटा, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो मतलब मेरे को लगता है ये तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये देखो, चलो क्विक, फोर्स आर एक्टिंग ऑन द रोप इन द टग ऑफ वार इज। 34 नंबर का चैलेंज देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों में से कौन जवाब देता है। ये मैंने किसी एग्जाम में पीवाईक्यू में देखा यार, ये मैंने किसी एग्जाम का पीवाईक्यू है यार, फटाफट जवाब दो यार। 34 नंबर का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे लिए, 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जैसे हम ये वाला गेम खेलते हैं ना, ये वाला, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, ये दोनों ही फोर्सेस कोलिनियर है बेटा, बट इक्वल अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। राइट आंसर यहां पे कोलिनियर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हाँ बहुत सटीक जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेटल कटिंग ऑपरेशन अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चीप टूल एंड वर्कपीस। फटाफट मुझे बताइएगा दोस्तों, आप लोग बता दो मुझे प्लीज, है ना, आप लोग मुझे बता दो, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग यहां पे बताइएगा बेटा,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करना यार, हर कोई इसका जवाब दे देगा, हर कोई इसका जवाब देना। 35 नंबर पे देखो, एक से ज्यादा ना 80% हीट हमारी चिप के थ्रू जाती है और 10% हमारा वर्कपीस, 10% हमारा टूल, ये याद रखिएगा। ये बहुत स्टैंडर्ड है। आप लोग यार, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो यार, मुझे इस बात का बहुत दुख है यार, मुझे इस बात का बहुत दुख है यार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग गलत कर रहे हो यार। देखो मतलब क्या हो गया मैकेनिकल वॉरियर्स आप लोगों को, तत यार। नेक्स्ट चलो फटाफट 36 नंबर का चैलेंज। स्वैंग इज अ ऑपरेशन ऑफ हॉट रोलिंग, एक्सट्रूजन, पियर्सिंग एंड फोर्जिंग। स्वैजिंग जो है वो किसका ऑपरेशन है? स्वैजिंग, स्वैजिंग हमारा किसका ऑपरेशन है? तो मुझे लग रहा है कि आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे यार, स्वैजिंग जो है बेटा फोर्जिंग का है, याद रखिएगा फोर्जिंग है, स्वैजिंग हमारा है, फोर्जिंग का ही ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन 37, बोल्ट हेड आर मैन्युफैक्चर बाय, बोल्ट का जो हेड है वो किस टेक्निक से मैन्युफैक्चर होगा? स्वैजिंग, रोल फोर्जिंग, ट्यूम्बलिंग या अपसेटिंग? बोल्ट के हेड को हम किस तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे आप लोग बताना जरूर, क्योंकि बार्क में इस तरह की चीजें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बींग एन जेई स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1, आप लोगों को करना पड़ेगा यार इस तरह की चीजें, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। आप लोग इसका जवाब दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अपसेटिंग तो नहीं होगा यार, अपसेटिंग तो भूल जाओ यार, अपसेटिंग तो भूल जाओ, अपसेटिंग तो भूल जाओ यार, अपसेटिंग तो भूल जाओ यार, अपसेटिंग तो भूल जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, अपसेटिंग तो भूल जाओ, अपसेटिंग तो भूल जाओ। बोल्ट का हेड स्वैजिंग ऑपरेशन के थ्रू, स्वैजिंग, स्वैजिंग ऑपरेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये इंटरनल गियर आर मैन्युफैक्चर, ये तो कल ही हो गया था, 38 नंबर का क्वेश्चन, 38 नंबर का क्वेश्चन तो कल ही हुआ था, एक बार देख लेना बेटा। ये हमने बहुत सारी चीजें दिया है आप लोगों को, और आप लोग तो लास्ट में यार अपने स्कोर, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस हम किस में प्रोवाइड करते हैं, ब्लैंकिंग में हम क्लियरेंस प्रोवाइड किस में करते हैं, मतलब वीवीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक बार जब पेपर में जा रहे हैं तो बार्क जैसे एग्जाम में, भैया मैं आपको कसम बता रहा हूं, प्रोडक्शन का वेटेज पिछली बार 17 नंबर का था यार, आउट ऑफ 40, मतलब समझ रहे हो कितना एग्जामिनर से प्यार है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। दिव्यांक, अपूर्वा, सब लोग रिस्पॉन्ड करो यार। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, ये हमारा पंचिंग है। पंचिंग में क्या करते हैं बच्चे, जब भी हम पंचिंग में करते हैं तो ये अगर आपकी सीट होती है ना, तो इससे जो हमारा एक ये वाला पार्ट हमारा स्क्रैप हो जाता है और हमारा सीट जो हो जाता है वो वर्कपीस। लेकिन जब हम बेसिकली ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते हैं, जब हम ब्लैंकिंग करते हैं, जैसे आपका ब्लैंकिंग करते हैं, तो ये जो हमारा वर्कपीस है वो स्क्रैप हो जाता है और ये हमारा। तो बेसिकली हमारा किस में पूछा है बेटा? ब्लैंकिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग में पूछा है, तो इसमें तो यहां पे ब्लैंकिंग इज द मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस वेयर द फाइनल प्रोडक्ट इज रिमूव्ड आउट एंड लार्जर मेटल सीट इज द हमारा वर्क पीस हो जाता है, मतलब स्क्रैप बन जाता है। इसमें हम क्लियरेंस किस में प्रोवाइड करते हैं? थोड़ा बड़ा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा ये वाला 40 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन। हाँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा पंच में, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पंच में, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रोविंस इक्वेशन सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द कास्टिंग इज गिवन बाय। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए, ट्राई करना होमवर्क में बेटा, ट्राई करना होमवर्क में, सब लोग जवाब देना अभी नहीं, जैसे आप लोगों ने कल जवाब दिया था बेटा उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आज भी जवाब दें और मैं आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस कर सकूँ कि ये हमारे मैकेनिकल वॉरियर्स हैं जो लोग अथक मेहनत कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन से। सब लोग यार जरूर अपने अपने नाम यहाँ पे जरूर एड्रेस करवाना। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा,
आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं 40 क्वेश्चंस करके डेली बार्क का, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताओ यार, 40 क्वेश्चंस बार्क का करके आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, एक बार मुझे बताओ। क्योंकि 10 दिनों का, 10 दिन बाद आपका पेपर है और हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि यार आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट डिलीवर करें, जिससे कि आप लोग यार एडवांटेज उठाओ उसका पेपर में। और पूरा डिक्टो प्रयास कर रहा हूँ कि यार जो बार्क में जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उनको ज़्यादा दूँ यहाँ पे, जिन सब्जेक्ट का वेटेज बार्क में ज़्यादा है उनका वेटेज ज़्यादा। तो गाइज बस वही तो बोल रहे हैं, प्रिपरेशंस करते रहो और बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो यार, मुझे भरोसा है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, दिवाली आ रहा है, अड्डा आप लोगों को बचा, लोग दिवाली पे भी स्पेशल स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। देखो इस समय आपका मैकेनिकल का जो महापैक है बेटा, 80% डिस्काउंट चल रहा है बेटा, 2700 रुपये के आसपास है। तो आप लोगों के दोस्त या यार या कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करते समय अगर आपसे रेफरल कोड पूछेगा बेटा तो ये ज़रूर यूज़ कर देना, Y201, ये आपका कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट का अड्डा का यही है, ठीक है। मैकेनिकल महापैक में इनरोल कर सकते हो दोस्तों। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार मुझे वीडियो के नीचे कमेंट भी बताइएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर इसी पिक्चर में। यार इसको बंद कैसे हो?